छत्तीसगढ़ की आराध्य नगरी डोंगरगढ़ में बैंड संचालकों ने प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नाम ज्ञापन सौंपकर आर्थिक सहायता की मांग की है। बैंड संचालकों ने एसडीएम की अनुपस्थिति में नायब तहसीलदार रश्मि दुबे को ज्ञापन सौंपा है। इस दौरान बताया गया है कि शादी विवाह के अवसर पर बैंड बजाकर अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं, लेकिन कोरोना महामारी के कारण इस वर्ष शादी विवाह के आयोजन पर प्रतिबंध लगा हुआ है, जिसके चलते उनका व्यवसाय इस वर्ष पूरी तरह से ठप हो गया है और उनके सामने परिवार पालने की समस्या खड़ी हो गई है। इसीलिए उन्होंने मुख्यमंत्री से आर्थिक सहायता की मांग की है। ज्ञापन सौंपते समय न्यू भारत बैंड पार्टी के संचालक खेमराज गोरले, राजू गोरले, पारस गोरले, साईं बाबा बैंड पार्टी के संचालक महादेव व संतोष मौजूद रहे। खेमराज गोरले ने बताया कि ज्ञापन के माध्यम से उन्होंने मुख्यमंत्री को अवगत कराया है कि अधिकतर शादी विवाह का सीजन मार्च, अप्रैल, मई व जून माह में ही होता है। इन चार माह में ही काम करके बरसात व अन्य दिनों में स्वयं व हमारे बैंड में काम करने वालों के परिवारों का पालन पोषण होता है, लेकिन इस वर्ष कोरोना महामारी के चलते लगातार मार्च, अप्रैल में लॉकडाउन लगा हुआ है, जो बढ़कर मई, जून में लागू रहेगा। ऐसी स्थिति में हमारे काम का समय लॉकडाउन में खत्म हो रहा है। आपको बता दें कि बैंड संचालकों ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से आर्थिक सहायता की गुहार लगाई है। अब देखना यह होगा कि क्या मुख्यमंत्री इनकी पुकार सुनते हैं और इन्हें कुछ राहत देते हैं, या फिर अन्य ज्ञापनों की तरह यह ज्ञापन भी फाइल बनकर रह जाएगा। डोंगरगढ़ से संवाददाता देवेंद्र गौड़ले की रिपोर्ट। आज आप जो ज्ञापन सौंपने आए हैं, वो किस संबंध में ज्ञापन सौंपने आए हैं? हमारी बैंड पार्टी के लिए। क्या समस्या है आपकी? समस्या ये है कि हम यहाँ तीन बैंड पार्टी की दुकान है, जो दो महीने से लॉकडाउन के कारण बंद है, और कुछ शादियों का सीजन था, जिसके कारण हमारा पालन पोषण उसी के द्वारा चलता था, जो आज टोटली लॉकडाउन के कारण बंद हो गए। और भी आगे तक कब तक लॉकडाउन रहेगा, कब तक भी नहीं, हमें कुछ पता नहीं, जो कि हमारी आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब हो चुकी है, जिसके लिए हम सरकार से मदद चाहते हैं कि सरकार हमें कुछ मदद करे कि हमारी स्थिति ठीक नहीं है। 20-20 वर्कर है हमारे पास में, हमारी दुकानदारी में 20-20 वर्करों को हमको चलाना पड़ता है, जिनकी वजह से उनकी भी स्थितियाँ ख़राब हो गई है, जिनकी उनकी स्थिति के लिए वो हमें परेशान करते हैं, दुकानदारी मालिक को। तो हमारी स्थिति ठीक नहीं है, उनकी स्थिति को हम लोग क्या कर पाएंगे, इसलिए हम सरकार से मदद चाहते हैं कि सरकार हमें कुछ हमारी मदद करे, इसलिए हम ये ज्ञापन दे रहे हैं एसडीएम साहब को, और इसीलिए चाहते हैं कि हमारी कुछ आर्थिक मदद करे। क्या आश्वासन मिला आपके यहाँ से? जी आश्वासन दिए हैं, अभी कुछ पता नहीं चला है, हम लोग ये ज्ञापन छोड़ के जा रहे हैं एसडीएम साहब के नाम से, आगे में जो भी होगा कार्रवाई जो भी होगी एसडीएम साहब को कहेंगे, या आगे मंत्री जी जो भी हमसे निवेदन है कि हमारी सम्मान करें। आपका नाम? जी खेमराज गोरले, न्यू भारत बैंक। आज आप जो ज्ञापन सौंपने आए हैं, वो किस संबंध में सौंपने आए थे? ज्ञापन हमारा बैंड पार्टी का होता है, बैंड पार्टी के मार्ग से काम कर रहे थे, कभी से बंद कोरोना के कारण उसमें हमारी परिस्थिति बड़ी ना थी, हमारे वहाँ लोग आपका नाम? अभी शादी विवाह का सीजन है, आपके पास काम आ रहे हैं कि नहीं? नहीं, पहले आए थे वो कैंसिल हो गए। क्यों? ये लॉकडाउन की वजह से। अभी कोई उम्मीद है आपके काम की? कोई उम्मीद नहीं है। कैसे करेंगे अपने परिवार का पालन पोषण? इसलिए तो सरकार से मदद मांगे। आपका नाम? महादेव अमरूद। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.